हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपने घर आ गई हूँ इंदिरापुरम, और यहाँ मेरे प्लांट्स की कंडीशन जो आफ्टर 20 डेज़ है, इसको दिखा रही हूँ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पीछे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, छोटा ही था लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, तो वो डॉटर मेरी अपने घर ले गई गुड़गांव, तो मैं इतने दिन वहीं पर ही थी। अब जब बिल्कुल जब एक एक जगह का दर्द ख़त्म हो गया तब उसने आने दिया यहाँ पर। तो इंदिरापुरम में तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं, और देश के बाकी हिस्सों में तो बड़े बाढ़ आ गई जगह जगह, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ बाढ़ नहीं आई हो, लेकिन हमारा इंदिरापुरम तो भाई इतनी बारिश हुई नहीं यहाँ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आपको यहाँ से। ये जो है मेरा वाइट गुड़हल, देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है। तो पीछे तो इसे काफ़ी मतलब ख़राब हो गया था नीचे रख के, लेकिन अब ये खूब अच्छा घना हो गया और बहुत अच्छे इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। ये चंपा है, इस तरफ की तो सारी लाइन में पूरी सेट करके गई थी, पूरी उनकी रिपोर्टिंग वगैरह करके, तो इस लाइन में तो सब बहुत अच्छे लगे हुए हैं प्लांट्स, है ना। और ये वाइट चंपा है, इस लाइन में सब पीछे चंपा ही चंपा है सब तरह की। ये है नाग चंपा, और खूब अच्छा ये कटिंग सी लगाया था ये प्लांट भी, आप देख रहे होंगे ये, है ना। ये मोतिया है, इसमें फूल आके सूख गए, अब सब होगी सफाई वफाई, अब यहाँ रहूँगी तब करूँगी, नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं होता, है ना। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के मॉस रोज़ हैं, ये रेड चंपा है यहाँ जो लगी हुई है, सब इस पीछे लाइन में सब अलग अलग तरह की चंपा ही हैं। और इधर ये वाले जो प्लांट्स हैं, ये कुछ मैंने नए ख़रीदे थे, ये वो वाले प्लांट्स हैं जो अब अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये पिंक बोगनवेलिया तो मेरा पुराना था जो बच गया था, और ये वाला बोगनवेलिया डार्क वाला भी मेरा ओल्ड था। ये तो मैंने ली हुई थी चाइना वाली, टैगर बोल रहे थे कि चाइनीज़ टैगर है, तब इसमें फूल आ रहे हैं, उस टाइम फूल जब ली थी तब फूल नहीं थे। और ये भी एक प्लांट है, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, काफ़ी रहा था, काफ़ी खुशबूदार प्लांट है, मुझे पता नहीं इसका नाम इस टाइम। और ये मेरा रेड वाला है एक्जोरा, देखिए ये सूखे सूखे फूल निकालने से नई ब्रांचेज आ जाती है ना, तो इसके साफ़ करते रहना चाहिए, प्लांट खूब घना हो जाता है। ये बड़ी वाली वेराइटी का, इसमें छोटी वाली वेराइटी के मीडियम वाले भी हैं मेरे पास, आगे दिखाती हूँ मैं। ये डफन बेकिया, सब कटिंग लगा के गई थी, सब बिल्कुल सही लग गई हैं यहाँ पर। और ये सेंसेवेरिया, इसको चेंज करना पड़ेगा, मेरे ओवर ग्रोन हो गया प्लांट, भर गया है गमला बुरी तरह से, इसीलिए इसकी ये ब्रांचेस सूख भी गई हैं, प्लांट थी वाले से कुछ निकालना पड़ेंगे इसमें से, इसकी कटिंग करना पड़ेगी मुझे। ये मेरा बॉन्ज़ाई था पिलखन का, ये मेरे गुलाब में से देखिए इतनी लंबी ब्रांच निकली है ना, ये बेकार वाली जंगली वाले गुलाब की निकल आई है, ये देखिए इसकी 7 पत्तियाँ हैं, है ना, तो इसको मुझे निकालना पड़ेगा। अभी ये सब काम कल करूँगी, अभी तो कुछ नहीं भाई। ये इधर सब कमल लगे हुए हैं, काफ़ी फूल भी आए पीछे मेरे, यहाँ नहीं रहने पे आपको दिख रही होंगी डंडियाँ डंडियाँ निकली हुई, कुछ सीड भी बन रहे थे वो भी निकाल के मैंने फेंके, अब एक ही कली बची है इसमें। ये जेड बॉन्स आई थी मेरी जो अब ये ओवरग्रोन हो गई हैं, कल इनकी भी करूँगी कटिंग, देखिए। ये लेंटाना है, ये मैंने कटिंग से ही लगाई थी, देखिए कितनी अच्छी लगी हुई है, ये कटिंग से ही लगाई हुई थी मैंने। और ये मेरा बड़ी मुश्किलों से प्लांट ठीक हुआ है, जिसे देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक डंडी बची थी पिछले जब चोरी हुआ था, तो पूरा मॉस्टिक समय थी, कोई उठा के ले गया था, एक छोटी सी डंडी बची थी, अब ये बची हुई है, इसको ठीक करती हूँ मैं। और ये ब्लीडिंग हार्ट है मेरा, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, अब वापस ठीक हुआ है। और इधर ये मेरे लगे हुए हैं एक्जोरा, दो कलर के हैं, एक इसमें पिंक कलर का है आपको दिख रहा होगा ये, और ये वाला येलो कलर का है, ये देखिए इसमें फूल आएगा। और ये जेट्रोपा है नीचे, और ये साइकस, और ये पीस लिली, अब थोड़ी ठीक हो गई, पूरे पूछे हुए पूरी जल गई थी, है ना। और ये मेरा उजेलिया है, ये भी अब ठीक हो गया, ये भी जल गया था। प्लांट आप किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते, पता नहीं, मुझे तो खैर ना विश्वास होता नहीं, मैंने लगा रखा है पानी डालने वाला एक, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं है। जब भी आती हूँ ना, देखो आप गमले सब सूखे दिख रहे हैं ना, तो जैसे ही बोलूँगी ना उसको, हमेशा उसका जवाब होगा आज ही नहीं आया आंटी। तो अब आपको भी प्लांट लगा रहे हो तो आपको भी पता है कि सिर्फ एक दिन नहीं पड़ने से प्लांट की ऐसी हालत में होते हैं, और दो तीन दिन नहीं पड़ता तो पानी फिर कैसे होते हैं। ये तो मेरा सदाबहार है, हमेशा ही लगे रहते हैं गमलों में, उगते रहते हैं और खूब फूल इनमें आते रहते हैं, है ना। मसाका सेलोसिया, इसके बहुत सारे मैंने उखाड़ भी दिए थे प्लांट, लेकिन फिर भी कुछ लगे थे तो उनमें खूब आ गए फूल।
हैंगिंग बास्केट मेरी अच्छी हो गई है सारी। ये पानी तो अभी डालना है, पहले वीडियो बना लूँ क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, इसलिए लग गई हूँ पहले इसमें। और इधर ये सब सकुलेंट्स वगैरह लगाई थी, इनको कवर करके गई थी, फिर कवर उतारा अभी, तो अभी दिखाती हूँ। इसमें भी कटिंग वटिंग बहुत मैंने लगाई थी, सब ग्रो हो गई होंगे। देखिए ये पानी में लगाई थी मैंने अलमांडा की कटिंग ना, देखिए अच्छी चल रही है ये। और ये सेंचिस प्लांट है इसकी, देखिए रूट्स कितनी ज़बरदस्त हुई है। ये जो है ये यूफोरबिया ही है, कांटे नहीं है होते इसमें, ये एक डिफरेंट वैरायटी है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे इसमें फूल खिले हुए हैं, है ना। और ये है वो मेरे मुसंडा, और ये है श्रिल येलो कलर का, डॉटर कहकर मेरा रेड वाला है। और ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये रजनीगंधा है दोनों, और ये वाला भी रजनीगंधा ही है। ये सारे प्लांट्स भी मैं सेट करके गई थी, अब देखो उनमें क्या चल रहा है। ये धनबर्जिया है, और ये नींबू का है, इसमें फिर दवाई डालना पड़ेगी, थोड़ी पत्तियाँ मुड़ सी रही हैं इधर इस साइड इसकी। अब ये सब कल चलेगा कार्यक्रम। ये गुड़हल है, इसमें फूल तो अच्छा आ गया लेकिन जल गया धूप के कारण। और ये नीचे जरबेरा के प्लांट्स हैं, सब काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। इस साइड का एक जरबेरा ख़त्म हो गया। और ये लेवेंडर है, आप देखिए इसमें फूल आने स्टार्ट हो गए, है ना। और ये ऑक्सैलिस से पानी इसमें भी नहीं पड़ा, तो हालत देख रहे हैं आप इसकी क्या है। ठीक हो जाएगा ये दो तीन दिन में, लेकिन अभी तो यही हालत है ना। और ये जो है मधुकामनी है, छोटी वाली वैरायटी की, गमले में लगाने वाली। ये गार्डेनिया है, अब इन सब में फूल आएंगे क्योंकि अभी सब मैं कल करती हूँ इनका सबका हिसाब किताब पूरा। ये चंपा के इधर इसमें देखिए घोंसला बना रखा है चिड़िया ने, ये घोंसले अक्सर होते हैं मेरे बगीचे में। ये चाइनीज़ वाला गुड़हल है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे फूल आते हैं, है ना। और ये हैंगिंग बास्केट्स तो मेरी सभी लगभग अच्छी ही हैं, काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं। ये टर्टल नेक वाइनी है, और ये जो पर्पल वाला है ये पर्पल हार्ट है, वो टेंगल्ड हार्ट है। ये वाला कैक्टस अच्छा हो गया ना मेरा, कितना अच्छा ऊंचा ऊंचा निकल गया पूरा। इसमें लगाए थे मैंने कुछ पौधे सेलोसिया के, ये अब काफ़ी ऊंचे ऊंचे हो गए। और ये है मेरा देसी वाला गुड़हल, देखिए कितना अच्छा हो रखा है। और ये मैंने सीड से लगाया था, ये वो है सहजन की फली होता है ना वो है, और देखिए कितनी अच्छा ग्रीन हो रखा है। और नीचे ये छोटा पॉट ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। और ये आजकल तो ये बहुत ज़्यादा सुपर फूड में आ रहा है, इसकी पत्तियों की चटनी बना के खाओ, इसके फूल खाओ, पेड़ फल फूल जड़ तना और छाल सभी चीज़ें इसकी काम में बता रहे हैं। ये मैंडेविले, और ये टिकोमा है छोटी वाली वैरायटी का, और ये चांदनी है। देखिए बनते ही रहते हैं हम लोग भी बेवकूफ़, अब क्योंकि फूल नहीं आ रहा तो कलर तो दिखेगा नहीं ना। उसने मुझे कह के दी थी रेड चांदनी, रेड नहीं है ये, देखिए वाइट चांदनी है, वाइट चमेली है ना, चांदनी बोल रही हूँ मैं, रेड चमेली बोल के दी थी इसने, और अभी वाइट फूल ही आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये हैं सारे कलेडियम, अच्छे हो गए खूब घने घने। ये कोलियस ही है, और क्योंकि धूप में रखी रही प्लांट के बीच में इसको घुसा के गई थी कि भाई थोड़ी मॉइस्ट मिलती रहे, तो ये बच गई, लेकिन कलर्स इसके नहीं हो रहे। अब इसको मैं कलर्स इसके वापस लाने की कोशिश करूँगी। और ये हैंगिंग बास्केट्स ही हैं डिफरेंट डिफरेंट, टेंगल हार्ट है, पर्पल हार्ट है इसमें, और ये टर्टल वाइन है, टर्टल नेक वाइन। और ये इनमें हैं लगे हुए मॉस रोज, ये भी मॉस रोज ही हैं। और ये जो लगी हुई है ये करक्यूमा लिली है, है ना। अभी देखिए इसमें फूल आएगा तब बताऊंगी आपको कि कैसा फूल आ रहा है इसमें। ये एडेनियम में कितने अच्छे फूल आए, ये इसमें कलियां बनी हुई, कल खिलेंगी ये। और ये लगा है मेरा वो फिडल लीफ, बची गया आखिरकार जैसे तैसे। चलिए तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको दिखाया ओवरव्यू, प्लांट्स तो बहुत सारे हैं मेरे, और कुछ की हालत अच्छी है कुछ की ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि पानी नहीं पड़ा मुझे लग रहा है। तो अभी पहला काम है पानी ही डालूंगी इन सब में। तो आई होप आपको मेरे प्लांट्स की वैरायटी तो दिखी गई होगी, अभी अरेंज करना बाकी है, ये मैं दो तीन दिन में कर लूँगी। तो अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।